हुड्डा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था और जो बात पहले की थी चुनाव से काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले कि मैं MSP C2 लागू कराने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और 2 लाख रोज़गार देने की बात कही और बुढ़ापे पर 6,000 देने की बात कही और खिलाड़ियों कोटा जो है वो पहले पदक लाओ और पद पाओ पद पाओ पद। तो ये बीजेपी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। ये और गलती है या व्यक्तिगत फैसला है वो तो किरण चौधरी जी बताते हैं, उनके बारे में कह नहीं कहूँगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बीजेपी में के आके राजस्थान सांसद जरूर बनेगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है ना वो बीजेपी के प्रति है, उसका जो परिणाम है वो सुरती चौधरी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ आज विशेष मेहमान हैं भिवानी से कमल प्रधान जी। कमल जी सामाजिक एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ में कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और भिवानी में जब कभी समस्याओं की बात आती है, इश्यूज़ की बात आती है तो कमल प्रधान एक फ्रंट फेस हैं जो लोगों की जन की आवाज़ उठाते हैं। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई, भिवानी में आपसे मुलाकात होती रहती थी। जी जी, भिवानी में आपकी जो प्रिंट मीडिया में जब काम करते थे तो बहुत आपकी मैं पढ़ता था और बहुत अच्छी अच्छी आप जन समस्याओं के बारे में लिखते थे और पॉलिटिकल विश्लेषण भी बहुत अच्छा करते थे आप। अब आप इसमें सोशल मीडिया पे कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू प्रधान जी। प्रधान जी बल्कि हाँ सही कह रहे हैं, तो प्रधान जी बात कर रहे हैं, मैं करीब 1.5 से 1.5 साल भिवानी में एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था और पत्रकार का काम होता है कि जन समस्याओं को छापना, तो प्रधान जी जो हैं जन समस्याएं उठाते थे और हम छापते थे, तो ये जो रिश्ता है लोगों की सेवा करने का अलग अलग मंच है। प्रधान जी पिछले दिनों बात चल रही थी कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, लोग भी इकट्ठा हुए थे, पंचायतें वगैरह भी हुई थी और शायद कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं के पास भी लोग गए थे, लेकिन फाइनली फिर वो बात कहीं बीच में रह गई। मामला क्या, चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने? देखिए जी, चुनाव में लोगों की सहानुभूति भी थी और भावना भी थी लोगों में, क्योंकि मैंने लगातार किसान एजिटेशन में, स्टूडेंट के एजिटेशन में और खिलाड़ी के एजिटेशन में कोरोना काल में भी बहुत काम किया और लोगों में सुख दुख में हमेशा रहा हूँ। और अब से नहीं, मैं 35 साल के लगभग हुए लिए, उससे पहले पिताजी ने 67 से लेकर लगातार चुनाव लड़े 1996 तक, तो उसमें भी काफ़ी सक्रिय रहता था, 2 लोकसभा के लड़े हुए, 3 निर्दलीय चुनाव लड़े MLA के, तो लोगों के हर जन समस्या को मैं जानता भी हूँ और उनको उठाता भी हूँ, लोगों के बीच में रहना, इसलिए लोगों की थी कि भाई आप चुनाव लड़ोगे। मैंने 15 साल पहले इस हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े तो शाम से, अच्छा उसके बाद मैंने 15 साल चुनाव लड़ा, मैंने भाई लोगों की वैसे ही सेवा करें, चुनाव लड़ना कोई ज़रूरी थोड़ा है, आप लोगों की समस्या हल कर दो और आप उनकी जितनी भी बातें हैं उनको कोशिश करो बनाने की, और हम कोशिश भी करते थे, लोगों के बीच में रहे भी और जन समस्याओं का समाधान भी किया। और अब की बार सभी ने कहा भी चुनाव लड़के आप मजबूत हो सकते हो, एक चुने हुए प्रतिनिधि में ताकत ज़्यादा होती है और आप भाई जो भी बात विधानसभा में अच्छी तरह उठाओगे और आप जितनी समस्या से पहाड़ का बहुत बड़ा मुद्दा है तो शाम के अंदर वह भागीदारी नहीं मिल रही मजदूर को, नौजवान को, क्षेत्र को मिल रही, खनन माफी आते हैं पैसे भर के ले जाते हैं और जैसे वहाँ खानक के अंदर बहुत बड़ी बात, वहाँ पीने का पानी नहीं है जी, 300 टैंकर लगभग लोग रोज पानी को खरीदते हैं और फिर पीते हैं पानी, जो हमारी मूल जो अधिकार है उस अधिकार को पूरा नहीं कर रहे। तो और वहाँ जैसे कई 2 नहर हैं, एक जो नहर तो बंसीलाल ने बनवाई थी, उसके बाद अभी निगाड़ा फिल्टर भी तो बंसीलाल ने बनवाई थी, 21 महीने उनमें पानी नहीं आ रहा, 48 लगभग गाँव ऐसे जहाँ पीने का पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा भी ये सारी चीज़ों का समाधान जभी होगा, अब आवाज़ उठाते रहो, अफसर सुने, जनप्रतिनिधि सुने ना सुने, अगर आप खुद मर जाओगे तो इन सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है, इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए जी। तो जहाँ कांग्रेस पार्टी में मैंने अप्लाई किया, कांग्रेस में था ही मैं, तो वहाँ सर्वे कांग्रेस ने किया, उसमें भी मेरा ठीक ठाक नाम था और प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पर भी जो इन सब में मेरा नाम आया था, लेकिन टिकट मेरे को नहीं मिली, टिकट इन चौधरी को मिली, टिकट तो एक भी मिलनी थी जी। तो जब एक पंचायत में पंचायत ने कहा भी आप ना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लो, हालांकि आम पार्टी से भी मेरे को ऑफर था, दूसरी पार्टी में भी था और सारी तरह की मदद करने की भी कह रहे थे, लेकिन जो पंचायत उसमें कमेटी बनी
और मैंने कमेटी से कहा भाई मेरे को 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। मेरे अच्छे वोट आते संजीव, बहुत अच्छे वोट आने थे, और लेकिन मैं खड़े होने से जीत की पोजीशन में तो नहीं था मैं, क्योंकि मैं तो अपनी चीज़ को स्पष्ट बोलता हूँ, झूठ बोलने से क्या फायदा है। तो मेरे खड़े होने से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हार रहा था, तो मेरे अंदर आवाज़ आई कि कमल तने किसान के लिए संघर्ष किया था, तने उस मजदूर के लिए संघर्ष किया, उस खिलाड़ी के लिए संघर्ष किया, बीजेपी ने तो 10 साल में कुछ भी नहीं किया। अब बीजेपी की छुट्टी कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो घोषणा पत्र जारी कराया था और जो बात पहले की थी चुनाव से काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले कि मैं MSP C2 लागू कराने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और 2 लाख रोज़गार देने की बात कही और बुढ़ापे पर 6,000 देने की बात कही और खिलाड़ियों कोटा जो है उन पहले पदक लाओ और पद पाओ, पद पाओ, पद तो ये है। 500 रुपये का सिलेंडर है महिलाओं के लिए और पुरानी पेंशन बाहर करने की बहुत बड़ी बात थी, ओपीएस से बड़ी बात थी। तो मैंने देखा कि भाई कांग्रेस सरकार जमीन बढ़ेगी जब एमएलए बढ़ेंगे ऐसे, अगर एमएलए आ गया तो कांग्रेस की सरकार कैसी आएगी। तो मैंने देखा भाई ये तुम अपना स्वार्थ मत देख, चुनाव तो आनी जानी चीज़ है, कभी मुकद्दर में तो लड़ लेंगे, अगर एक कांग्रेस आके एक सारी पूरा कर देती है तो इस समाज में भला होगा, हरियाणा प्रदेश का भला होगा, किसान का भला होगा, इसलिए मैंने त्याग कर दिया। जी प्रधान जी, आपने चुनाव की बात शुरू ही कर दी है तो आपका प्रभाव भी है और आपका जमीनी स्तर पे भिवानी, ओल्ड भिवानी में पूरा काम भी है, तो विधानसभा वाइज भी मैं जानना चाहूँगा। तो शाम से शुरू हो जाए तो शाम में क्या लग रहा है, श्रुति चौधरी अनिरुद्ध चौधरी दोनों में से क्या लग रहा है? देखो जी, पहले वहाँ 2 वोट थे मेरे पिता ने पहले चुनाव 67 में लड़ाया था, चोई बंसीलाल ने पहले वहाँ 2 वोट बन गए थे, पक्ष बंसीलाल विपक्ष बंसीलाल। लेकिन इस चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बीजेपी वर्सेस जनता है। बीजेपी के भारी खिलाफत है, कैंडिडेट की तो इतनी नहीं कह सकता मैं, लेकिन बीजेपी की भारी खिलाफत है। लोग बीजेपी को ना गहना की दृष्टि से देख रहे हैं कि बीजेपी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, या और गलती है या व्यक्तिगत फैसला है वो तो किरण चौधरी जी बताते, उनके बारे में कह नहीं कहूँगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बीजेपी में के आके राज्यसभा सांसद जरूर बनेगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है ना वो बीजेपी के प्रति है, उसका जो परिणाम है वो श्रुति चौधरी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता उनको चाहती नहीं। आज अनु चौधरी भी नए हुआ उस हल्के में, क्योंकि उससे पहले उनके पिताजी ने बाड़ा में काम किया, वो आज लोग कौन उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग हैं जो परेशान थे सरकार से, किसान था, मजदूर था, नौजवान था, खिलाड़ी था, सब ने और हम लोगों ने मदद करी और लोगों को समझाया भाई कांग्रेस पार्टी को जिताना पड़ेगा, अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं जिताओगे तो किसान को MSP नहीं मिलेगी और मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो लोगों को ये बात समझ में आई और आप यकीन मानो कि आज के दिन तो शाम के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी फाइट जरूर है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ऊपर है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस की फाइट है लेकिन, एज जो है वो अनिरुद्ध चौधरी की तरफ है। तो वैसे अनिरुद्ध चौधरी की बात करें तो अनिरुद्ध चौधरी पहले तो साम, उनका गांव भी तोसाम में, हाँ, गोलागढ़ में है ना। अच्छा, हाँ, तो साम में बाहरी नहीं कह सकते उसको, लोग कहते बाहर से आए, मैं कहता हूँ बाहरी नहीं है, चुनाव दूसरी जगह लड़ता था, ये दूसरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर भिवानी की, भिवानी में क्या लगता है इस बार? तो कॉमरेड साहब है, देखो आपकी तरह वो भी जनसेवा। मैं मानता हूँ कि जनता के पास एक उदाहरण देने का सबसे बड़ा मौका भिवानी विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ जो उम्मीदवार आया है CPM का, कांग्रेस का साझा उम्मीदवार, वो बहुत ईमानदार, संघर्षशील, जनता के बीच में रहने वाला, यानी पहले जनता जाती थी मरने के बाद MLA के द्वार पर, अब MLA जाएगा जनता के द्वार पर। और मैं कहता हूँ ये चुनाव में उसका साथ देना चाहिए, एक उदाहरण पेश होना, नहीं तो अगर कोई गलती रहेगी या जनता उनका साथ नहीं देती तो लोग ये चर्चा शुरू करते हैं कि संघर्ष का और ईमानदारी का कहीं स्थान नहीं है। बिल्कुल, बल्कि भिवानी में लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई देखो कांग्रेस में बाकी टिकट तो दिए हैं हुड्डा ने, शैलजा ने, सुरजन, या टिकट राम ने दी है, राम ने सुन ली भिवानी की, क्योंकि भिवानी में जो भी विधायक हैं घनश्याम शराफ वो 3 बार विधायक बन लिए लेकिन एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। संजीव, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो मैं बताऊँ, मेरे और उनके लगभग 15 साल से इकट्ठे संघर्ष करते हूँ हर मुद्दे पे और मेरी उनकी बात हर रोज़ हो जाती है। तो उन्होंने 10 दिन पहले जैसे 4 को शुरू है ना नॉमिनेशन, उन्होंने 5 नॉमिनेशन कर दिया था और CPM उम्मीदवार के तौर पे किया था।
तो मेरी चर्चा होती थी भाई भाई आप कॉमरेड साहब ये चुनाव आएगा, भले हमें चुनाव लड़ना है ऐसे को, तो उनको नहीं पता था कि ये समझौता हो जाएगा। 12 तारीख लास्ट नॉमिनेशन की तारीख थी। हाँ। सुबह मेरे पास एक बंदे का फोन आता है 5:30 बजे, वो कहता है भाई ये सीट तो CPM में चली गई। हाँ। मैंने तुरंत कॉमरेड साहब को फोन लगाया। हाँ। कॉमरेड साहब बोले क्या बात भी कमल, सुबह कैसे कैसे फोन लगा लिया। हाँ। उनको भी नहीं पता था। हाँ। बोले अंकल ये समझौता हो गया। हाँ। बोले ना यार सुनी जरूरत थी, मुझे लगता को नहीं हो जाएगा अंकल ही तो हो गया, हो गया। और बाकी आप तसली कर लो। फिर उनके पास कॉमरेड इंद्रजीत जो लगे हुए थे बहुत सुलझे आदमी का, और ये सारा उन्होंने समझौता कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, वो सेंट्रल लेवल का CPM का जो था। तो फिर उनका फोन आ गया भाई ओम प्रकाश तैयारी कर और अपना प्रोग्राम कर, जो कांग्रेसी जो टिकट नहीं मिली उनसे बात करें। और आप अचंभा मानो समझी, एक भी कांग्रेसी ने ये नहीं शिकायत करी कि मेरे को टिकट दूसरा हो गए। सब के सब जिस दिन दफ्तर का उद्घाटन था 13 तारीख का, सब वहाँ पहुँच गए। तो अब चुनाव जनता का और सरकार का है, और जो सहानुभूति रखने वाले हैं वैसे वहाँ जाती है भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पहले सच्चाई बताऊं कि किसी को नहीं पता था कि कॉमरेड साहब की केस जाती है, लेकिन ये राजनीति बड़ी उसी चीज है। इसमें 7 पीढ़ी की भी पुरानी आदमी जो नहीं होना चाहिए। और मैं सच्चाई बताऊं किसी को नहीं पता भी कॉमरेड कौन है, भी कहाँ से है। कॉमरेड कितना जरूर है, जब भी देखोगे तो भाई कॉमरेड सड़क पर नजर आओ है, सड़क पर नजर आएगा। तो मैं जनता से कहूँगा भाई किसी चीज़ में ना जाए, ना धर्म पे ना जात पे, और किसी चीज़ पे एक ईमानदारी की मिसाल पेश करें ताकि आने वाली जनता को भी ईमानदारी विश्वास और संघर्ष में विश्वास। अच्छा प्रधान जी, भवानी खेड़ा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपना बंदा भेजा है, राहुल जो नरवाल भेजा है, इसके बारे में क्या है? देखो समझी, वहाँ दोनों चेहरे नए हैं किस्म से। हालांकि कपूर बाल्मीकि पहले चेयरमैन रहे भवानी खेड़ा, लेकिन भवानी खेड़ा में सीमित था, वो कहीं नहीं गया। और उससे पहले वो BJP में नहीं था, वो इसमें JJP में था, और फिर उसके बाद में तो, और कपूर नरवाल की तो ये हिस्ट्री है। और जहाँ तक इनके बात है, प्रदीप जी की बात है, ये नए चेहरे, इनको नहीं पता था कि कौन सा गाँव क्या है। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ अजीब एक स्थिति है कि कुछ गांव है वो किसानों से टच गांव है, और वहाँ सरकार का भारी विरोध है, और कुछ गांव में BJP हमेशा अप रही है, एज रही है। तो अब वहाँ मुकाबला कड़ा है जी, लेकिन 2 दिन से प्रदीप नरवाल अप नजर आ रहे हैं, और ये चुनाव टाइट है, अभी टाइट है, लेकिन सुधार काफी है जी। अच्छा, और लोहारो में JP दलाल वाली सीट जो BJP के हैं, और इधर अपने फरठिया साहब हैं, वहाँ भी समझी कि मैं बताऊँ आपको, वहाँ BJP का वोट नहीं है, वहाँ व्यक्तिगत वोट है JP दलाल का। हाँ। JP दलाल ने वहाँ, ये उनका 4th चुनाव है, तो वो जो चुनाव उन्हें लड़े हैं उन चुनाव में जैसे उनको व्यक्तिगत अपना संबंध बना रखे हैं, और दूसरी पत्र पर जो हमारे फटिया जी हैं उन्होंने 5 साल भारी मेहनत करी है, तो वहाँ कांटे का मुकाबला था। वहाँ करें बड़ा जो फरटिया साहब बड़े सीधे साधे आदमी है, बहुत कांटे का मुकाबला है, 5 साल उन्होंने बहुत भारी मेहनत करी है, और वो मेहनत के बल पे ही कांटे का मुकाबला बना रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत वोट JP दलाल के बहुत है वहाँ, तो कांटे का मुकाबला है। इस कांटे के मुकाबले में अभी भूपेंद्र हुड्डा जी भी नहीं गए वहाँ, और दीपेंद्र जी भी नहीं गए हैं अभी, और खुद ही चुनाव लड़ रहे हो, और मुकाबला बड़ा रोचक बना रखे है। प्रॉपर दादरी वाली अपने सांगवान साहब जेलर साहब लड़ रहे हैं, और मनीषा सांगवान है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो हैं क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के कॉमन दोस्त भी हैं, तो वहाँ क्या लगता है आपको? देखो संजीव, बात ये है कि कई जगह तो कैंडिडेट अच्छा है, दूसरा कैंडिडेट ठीक नहीं है। दादरी के अंदर दोनों कैंडिडेट पढ़े लिखे दोनों का एक विजन है, क्योंकि सुनील ने जितने दिन सर्विस करी उनकी ईमानदारी की सर्विस रही है, और उनका ही काफ़ी काम जेल में अच्छे किए हैं, सतपाल सांगवान जी का भी काफ़ी वहाँ नाम है। हाँ। और मनीष शाह ने भी बहुत मेहनत करी है, 10 साल हो गए वहाँ, काफ़ी मेहनत करी है। तो दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है जी, और कांटे के मुकाबले में बूथ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, कि बूथ मैनेजमेंट कैसा रहेगा। मैनेजमेंट वैसे बता रहे हैं दोनों की बहुत बढ़िया है। तो मैनेजमेंट पे डिपेंड है, जो अच्छी मैनेजमेंट कर गया वो चुनाव जीत जाएगा। तो वैसे अपने सुनील सांगवान जी का अपना खुद का मैनेजमेंट भी बता रहे, सामाजिक हैं तो
थोड़ा सा उनका सर्कल ज्यादा है, बस वो बात है ना बीजेपी पार्टी से। हाँ, बात बीजेपी की आदत है ना, भाई सांगवान साहब तो ठीक है पर पार्टी जो है थोड़ा सा नुकैद है भाई, उल्टी जुत्ती पर है। सही कही आपने, सही कही, उल्टी जुत्ती पर है तो उल्टी जुत्ती की बात कर देते हैं। मैं भी चुनाव लड़ा 2009 में, तो मेरा सर पूछ कर रहे थे बुड्ढे नु कहते छोरा तू बहुत बढ़िया सारी खड़ा पाओ हमने, लेकिन उल्टी जुत्ती पर रहा तू। हालांकि पार्टी ठीक थी भाई, हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी ठीक पार्टी थी। देखो आज मेरे कुलदीप बिश्नोई से व्यक्ति के संबंध रहे, सामाजिक संबंध भी है, लेकिन वो बीजेपी में नहीं गया उनके साथ। उसका कारण यही था कि मैं किसान एजिटेज किसान, मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता जी। बीजेपी है ना अजीब तरह की पार्टी है ना, किसान के बारे में सोचा है ना, मजदूर के बारे में सोचा ना, नौजवान के बारे में सोच रही हो, तो वो चीज़ बड़ी नुकसानदेह। बाटड़ा सीट पर क्या लगता है, क्योंकि बाटड़ा सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाटड़ा सीट पर भी काफ़ी खिंच गया है मामला। वैसे कल या परसों शायद दीपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट भी वहाँ गए वैसे बाड़ा में, तो वहाँ क्या लगता है? देखो जी बाड़े में सोमवीर जी सोरण जो लोहार से एमएलए रहे हैं वो वहाँ गए हैं, और बाड़े में ना ये तीसरा चुनाव है जहाँ दूसरे हल्के कैंडिडेट आए हैं और तीनों दोनों जीते हैं, नैना चौटाला धर्मवीर सिंह ठीक है जी, और अब की बार सोमवीर सांगवान ना सोमवीर सोरण जी भी को थोड़ा सा कोई वरदान है शायद, वरदान है तो ये भी जीत की तरफ लग रहे हैं। हालांकि पातुवास भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो सोमवीर गोसोल्ला है वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 27,000 से कांग्रेस जीती थी जी। अच्छा, लोकसभा में तो वो तो मनोबल है ना वो कांग्रेस लोकसभा में, लोकसभा तो कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल काफी ऊंचा है, तो और सोमवीर सांगवान को ना सोमवीर सोरण को चुनाव लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, और बूथ मैनेजमेंट भी अच्छी तरह संभालेंगे, दूसरे क्या करते हो वक्त बताए, लेकिन आज के दिन कांग्रेस की तरफ ही है। तो भिवानी की सीट मोटी मोटी शायद हमने सारी कवर कर ली, कोई सीट रहे वो तीन सीट तो आज के दिन कांग्रेस की क्लियर है। तीन कौन कौन सी पर नाम भी क्लियरिटी, एक तो तोसाम, तोसाम नजर आ रही है जो क्लियर सीट है, क्लियर सीट एक बाड़ा की क्लियर सीट है, क्लियर सीट ये जो नजर आती है, और एक सीट है आपकी बोवाणीखेड़ा की जो क्लियर नजर आती है, बोवाणीखेड़ा में निकल जाएगी। और भिवाणी के अंदर कड़ा मुकाबला है, और ईमानदारी का उसका मुकाबला तो भिवाणी भी आ सकती है, क्योंकि जो कामरेड है उनके मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो मैनेजमेंट संभालेंगे लोग कहीं ना कहीं सोचते भी हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी के नाम पे ही तो सरकार तक बनवा दी, तो वो चीज है। और जैसे लोहारू है, दादरी है, अभी फाइट और भिवाणी में फाइट है, और जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा जी जाएंगे, दीपेंद्र जी जाएंगे, माहौल बदल सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, एक जैसे यहाँ भी एक सेंटीमेंट काम कर रहा है, देखिए जैसे लोग जब घर से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जब घर से निकलते हैं मतदान केंद्र तक जाते हैं, तो वो उस समय जो भी कुछ सोच रहे होते हैं उसी तरीके उस हिसाब से बटन दबाते हैं, तो एक क्या ये फैक्टर कि भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है एक सोचते हैं, उससे लोग अपने मतदान जो है ना करते हैं, आपको लगता है ये फैक्टर काम करेगा? 100% करेगा, कि क्योंकि जी उन्होंने 10 साल सरकार को देख लिया अच्छी तरह, और 10 साल का टाइम बहुत लंबा होता है जी। आप कोई भी योजना को अमलीजामा बनाना तो बना सकते हो, रोजगार दे सकते हो, कोई और योजना लागू कर सकते हो, तो 10 साल में वो कर नहीं पाए, इसलिए तो इनके खिलाफ माहौल बनाया जी। आज कौन है कांग्रेस का वोटर? किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, खिलाड़ी, तो यही जो आदमी है जो उनको लगे हुए। इन्होंने पहले 2014 और 2019 में बीजेपी का साथ दिया था जी, बिल्कुल दिया था। और एक तो भिवाणी के अंदर एक राजनीतिक तौर पर एक मिली भगत की भी राजनीति भिवाणी बहुत जबरदस्त है जी। अब ये दो जो नेता हैं जो धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी जी, इनकी राजनीतिक जुगलबंदी बनी है, तो ये क्या गुल खिलाएगी? अभी तक क्योंकि क्वेश्चन तो मार्ग है दोनों, अब तक तो लोग कहते थे और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्ग क्यों लगाया जी, कि किरण चौधरी ने भी हमेशा कांग्रेस में रह के जो उनके बराबर के हल्के थे उनमें मदद नहीं कर पाई, लोगों ने आरोप लगाया, कैंडिडेटों ने भी आरोप लगाई, इसी प्रकार सांसद जी के ऊपर भी, जैसे पिछली बार चुनाव था या अब की बार जो चुनाव था, पार्टी से हटके उन्होंने काम होया है, तो इनके भी आप कहीं जाओगे नहीं पूछेंगे भाई देखो धर्मवीर के करेगा ठीक बात, तो एक क्वेश्चन सा है, तो ये क्या गुल खिलाएगी क्या रहेगा ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन
ये 8 तारीख को ही इनका पता 8 तारीख को ही पता लगेगा। 5 तारीख को मतदान है और अभी तो वो एक वो कहावत नहीं दे अभी दिल्ली दूर है, दूर है। तो दिल्ली दूर है तब लोग क्या सोचते हैं 5 तारीख को परिणाम डिब्बे में बंद हो जाएगा 8 तारीख को। शायद इस समय तक दोपहर के समय तक हरियाणा में किसकी सरकार बनी है, किसके किस पार्टी कितने विधायक हैं, कितने निर्दलीय आए हैं, वो सबको पता लग जाएगा, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। प्रधान जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।